किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे इस वीडियो में की जानकारी है बेलूस ट्रैक्टर, जो कि भारत में लॉन्च हुआ है और लॉन्च होने के बाद भारत में पहला ट्रैक्टर और पहले किसान ने खरीदा है। आज हम उनसे मिलवाएंगे आपसे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे उन्होंने कैसे खरीदा और किस चीज़ की वे खेती करते हैं। तो मिलते हैं उन किसान से। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जो हमारे किसान भाई, आप उन्हें एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए और अपने बारे में बताएं। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं जी। दलबीर सिंह मान गांव मेरा तालू है जी। सर जिला भिवानी में जी है वो। तो सर, जैसे कि आपने पहला ट्रैक्टर पूरे भारत में के अंदर पहला ट्रैक्टर आपने ये ख़रीदा है, तो आपको इस कंपनी का कैसे पता लगा कि मुझे ये ट्रैक्टर ख़रीदना है? बाकी मार्केट में और भी ट्रैक्टर आ रहे हैं 184 HP का। हमारे जो फादर साहब थे, ताजी थे जी, वो बेलारूस ट्रैक्टर रखते थे। बेलारूस ट्रैक्टर रशियन ट्रैक्टर जो जी, रशियन ट्रैक्टर पहले से ही था। हाँ, पहले से थे वो। DT5 था, DT14 था, DT25 था, बायलारसी बड़े वाला था। तो सारे ट्रैक्टर हम छोटे थे, हम चला करते छोटे थे जब भी जी सर, तो इनके बारे में हमें ज्ञान था जी सर। लेकिन वो हमारी गलतियाँ रही, हमने उनको सेल कर दिया। अच्छा, सेल कर दिया। हाँ, तो दोबारा से हमने विरासत को संभाला है, तो इसीलिए आपने इस ट्रैक्टर को ही पसंद किया। हाँ, तो सर आप किस चीज़ की खेती करते हैं अभी? हम अन्ना की, कपास, गेहूँ और जीरी की खेती करते हैं। जीरी की खेती है। सर आप कितने एकड़ के किसान हैं? मैं 50 एकड़ का किसान। 50 एकड़ के किसान हैं। तो इससे अलग आपके पास कौन कौन से ट्रैक्टर हैं? मेरे पास अब जॉनडियर ट्रैक्टर एक और है। जॉनडियर के 2 ट्रैक्टर हैं और तीसरा आपके पास ये फिर से आ गया है। सर जैसे आपने ये ट्रैक्टर खरीदा, वो भी AC ट्रैक्टर है ये, तो इसे आप अपने यूज़ के लिए चलाएंगे या जो आपके यहाँ पर काम करने वाले हैं उनको चलाने के लिए देंगे? ये तो समय पर निर्भर करता है जी। मैं खुद भी चला लेता हूँ ट्रैक्टर तो जी, लेकिन हमारे जो खेतों में सीरीज बोलते हैं हमारे जी जी, तो वो भी चलाते हैं ट्रैक्टर। अच्छा, वे भी चलाते हैं। हाँ। अगर ज़्यादा धूल मिट्टी में, जैसे कि अगर ज़्यादा मजदूर नहीं आते तो फिर आप इस ट्रैक्टर को पर्सनल यूज़ करेंगे? हाँ, पर्सनल यूज़ करेंगे। अच्छा, तो इसके साथ जैसे आपने ट्रैक्टर सर बड़ा लिया, तो इसके साथ इम्प्लीमेंट भी आपको बड़े ही चाहिए, तो आपने क्या इम्प्लीमेंट जो बड़े हैं वे खरीद लिए हैं या खरीदेंगे अभी? अभी खरीदेंगे। अभी तो ये ट्रैक्टर मेरे पास एक दिन ही गया है, ये मेले में घूमता है। अच्छा, अभी आपने एक दिन ही इस ट्रैक्टर को घर रखा है? मैंने 11 तारीख को लॉन्च किया था ये जी, और 11 तारीख को मेरे को चाबियाँ दे दी थी जी। लेकिन उस दिन के बाद मेरे पास गांव में एक बार गया है जी, और गांव वाले जो हमारे मिलने वाले हैं जिनको पता लग गया है, तो वो कोई फ़ोन करता है, कोई हमारे घर पर आता है, तो ट्रैक्टर मिलता नहीं। मैं यहाँ से बताता हूँ भाई, वो तो मेले के लिए घूमने गया है। हाँ, तो यानी कि किसान, आसपास के जितने भी किसान हैं वे भी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं इस ट्रैक्टर को देखने के लिए। हाँ, काफ़ी उत्सुकता है इसकी ट्रैक्टर को देखने की। हाँ, उनको मतलब पूरी उत्सुकता लगी हुई है, वह कब आएगा ट्रैक्टर और हम उसको चलाएं देखें जी। तो क्या इससे बड़ा ट्रैक्टर भी आपके गांव में है या नहीं? ना, इससे बड़ा ट्रैक्टर नहीं हमारे। तो आप अपने गांव के सबसे पहले किसान हैं जिन्होंने 4-व्हील ड्राइव में इतना बड़ा ट्रैक्टर खरीदा? मेरे गांव में अब बड़ा ट्रैक्टर नहीं, इससे ये 4-व्हील ड्राइव मेरे ड्राइव जो ट्रैक्टर है मेरे पास ही है। तो सर जैसे कि अब रोटावेटर की बात करें, जब बड़ा ट्रैक्टर लिया तो रोटावेटर भी बड़ी लेंगे, तो आप कितने फिट के रोटावेटर चलाने के इस पर सोच रहे हैं? पर 14-15 फिट का रोटावेटर बता रहे हैं। 14-15 फिट का रोटावेटर इस पर आप चलाएंगे। हाँ। तो सर अब बात करते हैं कीमत की, क्योंकि हर किसान इसको खरीदना चाहता है। जैसे कि आपने अपनी विरासत को के लिए ये इस ट्रैक्टर को खरीदा क्योंकि पहले चला गया था, ऐसे और किसान भी होंगे जिनके पास ये रशियन ट्रैक्टर पहले थे, बिक गए हैं, वो भी उन्हें खरीदना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको तो मैं यही कहूँगा, दोबारा से मौका है जी, जो हमारी विरासत थी जी उसको संभालने का अब टाइम है जी। तो अभी से वो लग रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, अभी इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। दोबारा से नया लॉन्च हुआ है, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इसका, तो देखते हैं। तो सर ये आपको कितनी कीमत में पड़ा है ट्रैक्टर? ये लगभग 24-25 लाख रुपए का। 24-25 लाख रुपए की कीमत में आपको पड़ा है। सब्सिडी भी मिलेगी इस पे आपको? ना, सब्सिडी नहीं। बिना सब्सिडी के आपने कैश में ख़रीदा है? कैश। तो सर आपने हमारे किसान भाइयों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।
किसान भाइयों, जैसे आपने देखा कि अपनी विरासत के लिए इन्होंने पहले जैसे पुराने ट्रैक्टर को बेच दिया था, उसके बाद पछता रहे थे, उसके बाद फिर से इन्होंने उसी कंपनी का नया ट्रैक्टर खरीदा, तो इन किसान भाइयों के द्वारा आपको दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।